What's up guys, this is Tani Chitney. So today I am going to Dominican Monastery. So यहाँ पे हम गुजरात में है और गुजरात में मैं दमन में हूँ और दमन में मैं जा रहा हूँ Dominican Monastery की तरफ. So Dominican Monastery के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे पहुँचने के बाद. So मैं अभी निकल गया हूँ होटल नवया पैलेस से Dominican Monastery की तरफ. So जर्नी चलती रहेगी, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. So guys, यहाँ पे ये है होटल नवया पैलेस. सो जो ये गुजरात में है और गुजरात में दमन में है, तो यहाँ पे ये होटल जो नवया पैलेस है, नवया पैलेस रेस्टोरेंट एंड रूम्स जो दमन में है, हम यहाँ से जा रहे हैं Dominican Monastery की तरफ. सो यहाँ पे अभी हम आइदर ऑटो बुक करेंगे नहीं तो हम कैब बुक करेंगे, दोनों में से हम कुछ बुक करेंगे. देखते हैं जो सस्ता होगा हम वहाँ से जाएंगे. निगोशिएशन चालू है जो मेरी सिस्टर इन लॉ कर रही है. So this is it. So this is Hotel Navya Palace which is at Daman. जो दमन में ये Hotel Navya Palace है और यहाँ से हम जाने वाले हैं Dominican Monastery की तरफ जो दमन में है. So guys, जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है. Guys, stay tuned, stay connected. So guys, finally हमें ऑटो मिल चुकी है और हम इस ऑटो से जा रहे हैं Dominican Monastery की तरफ. My sister in law is here. Hello. So अभी हम ऑटो से जा रहे हैं और बैठने वाले हैं. So guys, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. देख लीजिए, यही वो ऑटो है जिससे मैं जा रहा हूँ. सो फाइनली हम यहाँ पे दमन में है और दमन का रोड है और जो Dominican ऑफ Monastery के यहाँ पे है और यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छा है और सामने दिख रहा है Dominican ऑफ Monastery और यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है और जैसे हम यहाँ से चर्च को देख सकते हैं Dominican ऑफ Monastery को और यहाँ से कार्स आ रही है और यहाँ पे घोर से देख सकते हैं. So finally we have reached Dominican of Monastery. So ये Dominican of Monastery है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और ये Dominican of Monastery कुछ इस तरीके से दिखता है. आप यहाँ पर घोर से देख सकते हो, काफ़ी हिस्टोरिक साइट है और आपको इसके फैक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा. सो गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. सो गाइज, फाइनली हम यहाँ पे Dominican Monastery में आ गए हैं. सो ये Dominican Monastery की बहुत बड़ी हिस्ट्री है. इस वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस चर्च इन हिस्ट्री. सो यहाँ पे पुर्तगाल लोग रूल करते थे और उन्होंने ये चर्च को बिल्ड किया था और ये काफ़ी हिस्टोरिक चर्च है और मैं अभी आपको इस हिस्टोरिक के फैक्ट्स बताने वाला हूँ. सो गाइस, देखते हैं ये फैक्ट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. सो ये चर्च बना था 1567 को और सेंट डोमिनिक की याद. तो सेंट डोमिनिक के बारे में आप सर्च कर सकते हो गूगल हिस्ट्री के बारे में, आपको पता चल जाएगा. तो उसकी याद में चर्च बनाया था 1567 को. तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पुराना चर्च है. मेरे एंडर्स के हिसाब से तो ये 450 साल पुराना चर्च है. 400 साल तो हो ही गए हैं, 200 साल से ज़्यादा हुए, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. तो था 1567. सो गाइस, यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे क्रिश्चियन लोग आते थे, कैथलिक लोग आते थे और यहाँ पे जो स्कॉलर लोग आते थे और रिलीजन के बारे में सीखते थे. तो वो ज़माने में रिलीजन के बारे में सीखने के लिए लोग यहीं पे आते थे और यहाँ पर उनको रिलीजन के बारे में सीखने को मिलता था, क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में, कैथलिक रिलीजन के बारे में. और फिर उसके बाद वो लोग सीख के एजुकेशन देते थे और एजुकेशन लेके वो ग्लोबल कंट्रीज में चल जाते थे, मे बी इन यूरोपियन कंट्रीज और मे बी अदर फॉरन कंट्रीज और किसी उत्तर दीजिए. तो दिस इज इट. सो यहाँ पे इस चर्च में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर यकीन किया जाता है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था और अर्थक्वेक की वजह से पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हुआ था. तो आप यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो, यहाँ पे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ है. है हिस्टोरिक है, एकदम अभी भी टिका हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आपको दिखेंगे वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था और अर्थक्वेक की वजह से चर्च डिस्ट्रॉय हो गया था, ये बहुत लोग कहते हैं और बहुत लोगों का ये सर्वे है. सो दिस वॉज द कॉज, ये कहा जाता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था और हम आपको आगे के भी इसके बारे में फैक्ट्स बताएंगे. सो देखते रहिए इस वीडियो को. सो गाइज, इसका जो आर्किटेक्चर है ये बेसिकली पोर्टुगीज आर्किटेक्चर है. सो उसके स्टाइल से ये चर्च को बनाया गया है, आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो. सो इस वॉज द पोर्टुगीज आर्किटेक्चर जहाँ पे जो भी एक एक स्टाइल जो है और जो एम्प्लॉयज को हायर किया था ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो सब पोर्टुगीज के थे और पोर्टुगीज का यहाँ पे रूल चलता था. तो ऑब्वियसली द आर्किटेक्चर इज अ पोर्टुगीज. सो यहाँ पे कैथलिक की जो कम्युनिटी है वो दो सिग्निफिकेंट, बेसिकली देखा जाए तो दो सिग्निफिकेंट इवेंट को सेलिब्रेट करती है. तो उनके दो स्पेसिफिक इवेंट है जो कैथलिक लोग की जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे आती है और सेलिब्रेट करती है, दो अलग अलग मंथ के डेट के हिसाब से.
यानी कि एक दिन में दो का सेलिब्रेशन नहीं होता है, एक महीने में एक का स्पेसिफिक इवेंट का सेलिब्रेशन होता है और फिर उसके बाद अपकमिंग मंथ्स में उसका स्पेसिफिक इवेंट का सेलिब्रेशन होता है। तो दो इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं कैथलिक कम्युनिटी के द्वारा इस डोमिनिकन मोनेस्ट्री के यहाँ पे। सो मैं आपको उस दो इवेंट के बारे में बताऊँगा। सो यहाँ पे पहला इवेंट जो है, जो मैंने आपको बताया, तो मैं दो इवेंट बताऊंगा। तो पहला इवेंट जो है वो 2 फरवरी में सेलिब्रेट होता है। तो जब भी वो हर साल में एक बार 2 फरवरी में कैथलिक की कम्युनिटी यहाँ पे आती है और एक कम्युनिटी सुनती है और एक कम्युनिटी बताती है इस डोमिनिक यहाँ पे जो है इट्स ए चर्च विच इज डोमिनिक मोनेस्ट्री। तो इसके बारे में जो हिस्ट्री है और उसके जो टीचिंग्स है उसके बारे में एक कम्युनिटी बताती है और एक कम्युनिटी बैठती है और वो पूरी टीचिंग्स को बारे में सुनती है। तो पूरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया जाता है 2 फरवरी को। तो हर साल में 2 फरवरी को आप चाहे तो देख सकते हैं कैसे कैथलिक कम्युनिटी यहाँ पे बैठती है और कैसे एक अनदर कैथलिक कम्युनिटी जो है वो हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो आप उनके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस हिस्ट्री को समझ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हर साल में 2 फरवरी में आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो यहाँ पे पूरे हिस्टोरिक डिस्कशन होते हैं 2 फरवरी का। सो अभी मैं 2nd फैक्ट बताऊँगा आपको। सो यहाँ पे जो 2nd इवेंट है वो 2nd इवेंट 3rd संडे ऑफ दिसंबर में होता है, यानी कि हर साल में एक बार जब दिसंबर आता है तो दिसंबर का 3rd संडे, 3rd हफ्ते का जो संडे होता है वो पर्टिकुलर डेट और वो पर्टिकुलर संडे को लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक टाइप का इवेंट ऐसा होता है कि लोगों को याद किया जाता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान खोई थी अर्थक्वेक के दौरान। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था और अर्थक्वेक के वजह से पूरा ये चर्च डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो ज़माने में जो जो लोगों ने अपनी लाइफ को खोया था उनकी कहानियाँ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो ये अगर आपको कैथलिक कम्युनिटी से सुनना है और बाकी की कैथलिक कम्युनिटी जो सुनती है और दूसरे कैथलिक कम्युनिटी जो सुनाती है इस हिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको दिसंबर के 3rd संडे को आना होगा। हर साल में एक दिसंबर आएगा, दिसंबर का 3rd संडे जो होता है 3rd वीक ऑफ संडे, उसमें आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे उन लोगों के बारे में सुन सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे जान खोई थी अर्थक्वेक की वजह से ऑन दिस चर्च पर्टिकुलरली देखा जाए तो। सो दिस वॉज द फैक्ट ऑफ इट। सो आई होप दिस इज द अमेजिंग फैक्ट विच यू नो। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आप ये पूरा जो चर्च अभी आपको दिख रहा है ये भी बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय ही हुआ है। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन थोड़ा सा अर्थक्वेक हुआ है, कुछ तो हुआ है जिसके वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पे आप बहुत से देख सकते हो और ये काफ़ी अच्छा चर्च है। मुझे तो काफ़ी हिस्टोरिक लगा, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आए हैं लेकिन यहाँ पे मुझे जितना साइज़ लगता है इस चर्च का उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम लोग आए हैं। तो यहाँ पे मेरे को तो यही लग रहा है कि आई डोंट नो बहुत कम लोग क्यों आते हैं, मे बी हिस्ट्री में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हो गए। मुझे तो इंटरेस्ट था, मैं तो यहाँ पे आ गया। इससे 1567 की हिस्ट्री है, 450 साल से ज़्यादा हुई है। सो इससे अमेजिंग बात क्या हो सकती है, मुझे तो इसको एक्सप्लोर करना ही था। तो मैं तो मेरी फैमिली के साथ यहाँ पे आया ही हूँ। एंड मोनेस्ट्री ऑफ डोमिनिकन ऑफ मोनेस्ट्री, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये दमन में है और दमन गुजरात में है। सो दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डोमिनिकन ऑफ मोनेस्ट्री। सो डोमिनिकन ऑफ मोनेस्ट्री के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है। सो दिस इज़ द सिनेमैटिक व्यू, फाइनल सिनेमैटिक व्यू ऑफ डोमिनिकन मोनेस्ट्री। सो आप देख सकते हैं डोमिनिकन मोनेस्ट्री कुछ इस तरीके से दिखता है, जो सबसे हिस्टोरिक चर्च है। मैं आपको गोल घुमा के दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो दिस इज द चर्च एंड दिस इज द हिस्ट्री। सो दिस इज द वन मोर सिनेमैटिक व्यू ऑफ डोमिनिकन मोनेस्ट्री। आप देख सकते हैं डोमिनिकन मोनेस्ट्री कुछ इस तरीके से दिखता है एंड काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, काफ़ी हिस्टोरिक दिख रहा है। सो दिस इज़ वन मोर सीन, चर्च से बाहर निकलते वक्त डोमिनिकन मोनेस्ट्री कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको अलग अलग एंगल से व्यू दिखा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जिसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना कम है। सो ये डोमिनिकन मोनेस्ट्री के बाहर आप निकलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो, पेड़ पौधे है, हिस्टोरिक चर्च है, ग्रास है एंड लोग भी है। तो ये है वो रोड जिसमें चारों तरफ गाड़ी है और यहाँ पे डोमिनिकन मोनेस्ट्री है। तो ये लेक है जो एग्जैक्टली चर्च के सामने है, डोमिनिकन मोनेस्ट्री के सामने ये लेक है और ये भी काफ़ी हिस्टोरिक है। तो यहाँ पे हम वी आर क्लाइंबिंग, सो पिंकी मौसी इज गोइंग अप, जेलम इज स्टैंडिंग,
एंड उज्ज्वला इज विथ सई। सो देखते हैं अभी हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं इस तेरकिस की तरफ, तो देखते हैं क्या होता है। सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत ही हिस्टोरिक चर्च के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ जो 1567 का है। और ये ऊपर का व्यू है, आप यहाँ पे घोर से देखते हो ऊपर से ये चर्च कुछ इस तरीके से दिखता है, ये मॉनेस्ट्री कुछ इस तरीके से दिखते है। ये सीन यहाँ पे गाड़ी पार्क है, जो गाड़ी पार्क है वही मॉडर्न है, बाकी सब हिस्टोरिक है, आप यहाँ पे घोर से देख सकते हो। सो हम यहाँ पे फाइनल गेट से बाहर आए हैं, और फाइनल गेट से बाहर आने के बाद ये डोमिनिको मोनेस्ट्री कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे हम रोड से चल रहे हैं। सो ये मैं आपको वॉकिंग व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा फील है ट्रैवल जर्नी का। सो आप भी अब ट्रैवल करोगे तो आपको उससे अच्छा एक्साइटिंग लगेगा। ये देखिए सीन, ये देखिए सीन, और ये देखिए सीन। सो आप देख सकते हैं मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ वो भी डिटेल में। यहाँ पे ज़्यादा करके सब प्लांटेशन किया हुआ है, सो एनवायरनमेंट का ध्यान रखा हुआ है, आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं। दिस इज इट, सो दिस इज द फाइनल सिनेमैटिक व्यू ऑफ डोमिनिकन मोनेस्ट्री। सो वी आर बैक गाइस, सो फाइनली मैं डोमिनिकन मोनेस्ट्री से वापस आ गया हूँ नव्या पैलेस की तरफ, जो दमन में है और जो गुजरात में दमन में है। तो जो जर्नी थी डोमिनिकन मोनेस्ट्री की बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ऑसम थी, और मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए हैं डोमिनिकन मोनेस्ट्री के बारे में। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।